अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, इस मूवी से आप हज़ारों डॉलर अर्न कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस मूवी से हम कैसे अर्निंग करेंगे, तो भाई उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक वॉच करनी होगी, तभी आपको समझ आएगी। अब भाई यहाँ पर ये जो मूवी है रिसेंटली रिलीज़ हुई है, यहाँ पर आप रिलीज़ डेट देख सकते हैं 17 दिसंबर। तो भाई जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो रिलीज़ होने के बाद लोग क्या करते हैं कि भाई लोग यूट्यूब की तरफ जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि प्रीमियर वॉच करें, प्रीमियर डाउनलोड करें, उसके बाद आ जाते हैं भाई गूगल पर। और गूगल पर भी यहाँ पर अजीब अजीब तरह के यहाँ पे सर्चेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई गूगल आपको खुद दिखाता है कि भाई लोग क्या सर्च करते हैं। जैसे कि लोग सर्च करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्टिंग में जो मूवी आपको दिखाई है, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, ठीक है। तो ये मूवी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और लोग इससे रिलेटेड सर्च करते हैं, प्रीमियर वॉच करना चाहते हैं, प्रीमियर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब लोग सर्च करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पे खुल के आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल सर्च इंजन हमें यहाँ पे ये बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई अगर आप भी अपने ऐसा ही एक वेबसाइट क्रिएट करोगी बिल्कुल फ्री में, तो भाई आप हज़ारों डॉलर अर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये अर्निंग आपको होगी, कंप्लीट गाइड आपको करूंगा बिल्कुल लीगल वे में, ठीक है। एक तो ये मूवी डाउनलोडिंग साइट्स आपने सुना होगा, अगर आप पहले से ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपने ये सुना होगा कि भाई मूवी डाउनलोडिंग ब्लॉग अगर आप क्रिएट करोगे, वेबसाइट क्रिएट करोगे, तो ये इलीगल है, आपका ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ बिल्कुल है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि अभी ये स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी आई है, ठीक है, 17 दिसंबर को, और बजट आप देख सकते हैं 200 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जो अर्निंग हुई है प्रॉफिट $1.2 बिलियन। तो अब यही टाइम है, 3-4 महीने होते हैं जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, तो 3-4-5 महीने तक वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करता है, ठीक है। तो इन दिनों में अगर आप डाउनलोडिंग लिंक कहीं से भी, मतलब मूवी आप चोरी करके अपलोड कर लेते हो, तो भाई उस केस में वो इलीगल हो गया। लेकिन आप इस पर आर्टिकल बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैफिक आप ले सकते हैं, मिलियंस में ट्रैफिक ले सकते हैं और हजारों डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। भाई इस पर कोई भी यहाँ पे इसमें कोई भी इलीगल नहीं है, आप लीगल तरीके से यहाँ पे करोगे, ठीक है। और जो मूवी, अगर हम ओल्ड मूवीज की बात करें, तो जो मूवी पहले से अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, भाई उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। आपने जस्ट वहां पे बता देना कि भाई मैंने प्लाव वेबसाइट से ये लिंक कॉपी की है, बाकी उस पे भी कुछ भी नहीं है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अब भाई मैंने आपको बता दिया कि लोग इस तरह से सर्च करते रहते हैं और आपको भी ऐसा ही एक वेबसाइट क्रिएट करना है, उससे अर्निंग करोगे, उससे कैसे अर्निंग करोगे वो देख लेते हैं। तो भाई उससे अर्निंग के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग इस एड नेटवर्क का यूज करते हैं। आप अगर ब्लॉगिंग के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता है कि भाई ब्लॉगिंग, जब कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो ब्लॉग क्रिएट करने के बाद उसमें गूगल एडसेंस की एड्स लगाते हैं। लेकिन मूवी एक ऐसी टॉपिक है कि भाई इसमें आप एडसेंस की एड्स नहीं लगा सकते, एडसेंस आपको अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी एड नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, ये टॉप का एड नेटवर्क है, इसका भी मैं कंप्लीट आपको दिखा देता हूं। तो भाई ये क्या करता है कि यहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, 3-4 अकाउंट्स है मेरे पास, तो मुझे यहां पर और आपको भी ये डेली यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो अमाउंट है, जो डॉलर्स है डेली यहां पर, डॉलर्स आपके बनेंगे मूवीज से, जो आपके डॉलर्स यहां पे बनेंगे वो डेली आपको सेंड करेंगे, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट वर्क है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस $0.7 है और यहाँ पर मुझे नीचे दिखा रहा है कि भाई आपकी जो एस्टिमेटेड डेली इनकम है वो इतनी है। अब इसको अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर एड्स है जो मुझे यहाँ पे डेली अर्निंग हो रही है, ये जो टॉपिक है ये मेरा डिफरेंट टॉपिक है, मूवी में आपको इससे डबल अर्निंग होगी, ठीक है, मूवी टॉपिक में आपको डबल अर्निंग होगी। तो यहाँ पर भाई जो अर्निंग होती है वो बिटकॉइन में होती है, यहाँ पर जो मेरी यहाँ पे अर्निंग है एड्स से डेली, ठीक है, एक अकाउंट से, तो वो आप भाई यहाँ पे देख सकते हैं $13 समथिंग यहाँ पे है, लेकिन 13 तक नहीं होते, $10-$11 तक हो जाते हैं, क्योंकि ये बाद में डिक्रीज इंक्रीज भी हो जाता है। और ये जो आपको अमाउंट होती है ये ऑटोमेटिकली आपके पोस्टेड पे के अकाउंट में आ जाते हैं, और यहाँ से फिर आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री से आप हैं, आप अपने डॉलर्स को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ईजिली आप विड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लो, मैंने आपको एग्जांपल दी इस मूवी का, ठीक है, यके क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मिलियंस में सर्चेस हो रहे हैं, करोड़ों में यहाँ पे लोग सर्चेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इस मूवी का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स 2 फुल मूवी इन हिंदी डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल में, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट पर ये वेबसाइट मिली। अब ये वेबसाइट मैं ज़रा खुल करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ओपन किया, तो इस तरह से आपको भी अपना क्रिएट करना होगा और ये बहुत ही ईजी काम है, कोई भी इसको कर सकता है, कॉपी पेस्ट वर्क है, टोटल
टोटली कॉपी पेस्ट है। तो आप जरा इस वेबसाइट को देखें, इसका लुक आप देखें भाई, बहुत ही घटिया है। यहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कि जो लोग जब यहाँ पर सर्च करते हैं तो भाई वो किस लिए सर्च करते हैं, वो मूवी डाउनलोड करने के लिए सर्च करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए भाई कि डाउनलोड का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, लेकिन आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आगे एड ओपन होगा, मतलब इनकी अर्निंग स्टार्ट है यहाँ पर, और आपको जो है यहाँ पर लिंक मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ पर ढूंढोगे लिंक तो आपको मुश्किल से ही लिंक यहाँ पर, हो सकता है कि कोई मोड ओल्ड मूवी है सॉरी, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब लोग सिर्फ YouTube से नहीं आते और सिर्फ न्यू मूवी से रिलेटेड सर्च नहीं करते, बल्कि भाई Facebook पर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारा ये चीज़ें ट्रेंडिंग में है कि किसी भी मूवी का शॉर्ट क्लिप, जो बेस्ट क्लिप होता है ना, वो लोग क्या करते हैं Facebook पर अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर मिलियंस में लोग देख लेते हैं और फिर वही लोग आके Google में सर्च करते हैं, वो मूवी डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि इस टॉपिक पर मिलियंस में ट्रैफिक है। हाँ, कॉम्पिटिशन इसमें बहुत ही हाई है, बहुत ही मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, लेकिन फिर भी भाई आपको ट्रैफिक लाखों में मिलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, आप जरा इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखो यहाँ पे। ठीक है, आप जरा इसका ट्रैफिक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए, 2 मिलियन इस वेबसाइट पे ट्रैफिक है। आप जरा इस वेबसाइट को देखें, इस पर 2 मिलियन मंथली विजिट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इसका एवरेज ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, भाई बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दिखा दी कि अर्निंग के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बात करेंगे कि इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई आपको तो सबसे पहले एक ब्लॉग चाहिए, आपको आ जाना है ब्लॉगर पर और आपको अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है। बट ब्लॉग क्रिएट करने से पहले जो मेन चीज़ होती है वो ये एक डोमेन होती है। ठीक है, ये एक आपका डोमेन होता है, आपकी वेबसाइट की पहचान होती है, एक नेम होता है आपकी वेबसाइट का। तो ये जो डोमेन होता है, ये डोमेन आपको बाय करना होता है। आप अगर बाय कर सकते हो, आपके पास 200 से लेकर 1000 तक रुपया है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई बेस्ट है, आप इसको बाय कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय करके दिखाऊंगा इसको कैसे बाय करोगे और कैसे ब्लॉग क्रिएट करोगे, कंप्लीट गाइड आपको करूंगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप बाय नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप इस ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री में इस तरह से ब्लॉग क्रिएट करोगे, इस पर मूवीज पोस्ट करते रहोगे और एड्स आप लगाओगे, इस एड नेटवर्क के एड्स आप लगाओगे अपने वेबसाइट में, और इस तरह से आपको यहां पर अर्निंग होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी वर्क है, टोटली कॉपी पेस्ट वर्क है, आपको कॉपी करने पेस्ट करने, कॉपी करने पेस्ट करने, इसी तरह से आपके भी यहां पे मूवी साइट्स बन जाएगी। मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर दूंगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसमें जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कि भाई इस पे काम स्टार्ट करना है हमको। यहां पे आपको इस तरह से ब्लॉग क्रिएट करना है, डोमेन इसके लिए आपको कहां से परचेज करना है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं डोमेन परचेज भी करूंगा और इसको ब्लॉग के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो कंप्लीट गाइड आपको करूंगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं इस पे काम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, ये भी मुझे कमेंट करना कि आप इसके लिए डोमेन बाय कर सकते हो या फिर नहीं। ये बहुत ही इजी वर्क है भाई, जब भी आप किसी मूवी से रिलेटेड सर्च करते हो तो उस मूवी का यहां पर आपको एक विकिपीडिया पेज मिलता है। तो भाई जो हम अपना आर्टिकल क्रिएट करेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कॉपी पेस्ट वर्क होगा, तो हम विकिपीडिया से ही अपना आर्टिकल क्रिएट करेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी आर्टिकल होगा और वो रैंक भी होगा। ठीक है, आप इसके लिए ब्लॉगर भी यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डोमेन नहीं ले सकते तो भाई विदाउट डोमेन भी आप कर सकते हैं, बट डोमेन आपके पास होगा तो आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे, जल्दी आपके पास ट्रैफिक आएगी। आपको जस्ट 1 मंथ या 2 मंथ इस पे मेहनत करना है, उसके बाद आपको लॉकों में ट्रैफिक आएगी। और भाई जितने भी यहाँ पे वेबसाइट्स होते हैं उसमें यहाँ पर एड्स की एड्स लगे होते हैं, ये जितने भी यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहे हैं इनको आप यहाँ पे ओपन करोगे तो भाई डाउनलोड लिंक तो दूर की बात है, यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको अपनी किसी और वेबसाइट में रिडायरेक्ट करेगा, मतलब कि सिर्फ अर्निंग के पीछे हैं ये, जितने भी चीज़ें होती है अर्निंग के पीछे हैं, जस्ट यहाँ से ट्रैफिक लेते हैं। आप इनका यहाँ पे आर्टिकल चेकआउट करें भाई, बहुत ही बेस्ट आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, आप चेक करें, और यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिए हुए हैं। आप जब डाउनलोड पे आगे क्लिक करते हो तो भाई यहाँ पर आगे आपको वेट करने के लिए कहते हैं, या कोई यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन हो जाती है, आपको कहते हैं कि भाई 10 सेकंड वेट करो, 20 सेकंड वेट करो, उसके आगे आपको फिर से एक और वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देते हैं। इस तरह से कर करके आपको आपसे वो अर्निंग कर लेते हैं और आपको लिंक मिलता ही नहीं है। तो भाई यही ट्रिक है, इसी ट्रिक को लोग यूज़ करते हैं भाई, आप भी ज़रा दिमाग लड़ाओ। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आइडिया मैंने दे दिया, अब आगे इस पर आप कैसे काम करते हो वो आप पे डिपेंड है। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए आप प्री टूल यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कीवर्ड प्लेनर को भी यूज कर सकते हैं गूगल एड्स का। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम का कितने सर्चेज है तो वो सारी चीजें आप यहां से भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके लिए डोमेन कैसे बाय करना है, कनेक्ट कैसे करना है और इस पर काम कैसे करना है, कंप्लीट आपको मैं गाइड करूंगा। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।